जय माँ काली। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल अजोकप्राचीन.com में। दोस्तों एक बहुत बड़ा प्रश्न हम सब लोगों के सामने आ जाता है कभी कभी लाइफ में, और वो है कि हम गरीब क्यों होते हैं, गरीबी हमारे घर क्यों आती है। दोस्तों बड़े बड़े भाषण देना तो बहुत आसान होता है कि पैसों की वैल्यू नहीं है, मोह माया नहीं है, सुख शांति नहीं है, ये सब चीज़ें। पर जब हम प्रैक्टिकली हमारे लाइफ के बारे में सोचते हैं तो एक चीज़ हमारा दिमाग ख़राब कर देती है और वो है पैसा। क्योंकि बिना पैसों के ना तो आप खाना खा सकते हैं, ना तो हम किसी को दान आदि पुण्य कर सकते हैं, क्योंकि यह सब चीज़ें बिना पैसों के हो ही नहीं सकती। हमारे पास पैसा होगा लाइफ में तभी हम ज़िंदगी को जी सकते हैं, ज़िंदगी को सरवाइव कर सकते हैं, क्योंकि आज के ज़माने में कुछ भी फ्री नहीं मिलता। मनुष्य को अगर 1 किलो चावल चाहिए तो उसके लिए भी उसको 50 रुपये देने पड़ते हैं। मनुष्य को अगर 1 किलो चावल चाहिए तो उसके लिए भी उसको 50 रुपये देने पड़ते हैं। दोस्तों आजकल बहुत ही महंगाई का ज़माना है, और ऐसे में अगर हमारे ऊपर गरीबी आ जाए, कंगाली आ जाए, तो आदमी को लेने के देने पड़ सकते हैं। इंसान का जीना मुश्किल हो जाता है और हर समय बेचैनी सी होने लगती है, और उसके बाद दिमाग में फिर एक ही बात चलती रहती है कि उसके बाद हमारे साथ क्या होने वाला है। पर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, हम इतने तो अमीर नहीं हैं कि आप सभी की गरीबी दूर कर सके, लेकिन आपको एक रास्ता बता सकते हैं। अगर आप कभी इस तरह की परिस्थिति में आ जाए, इस तरह की कंडीशन में आ जाए, तो इस दौरान आप अपनी हिम्मत रखें, हिम्मत बिल्कुल नहीं हारना है आपको, क्योंकि अगर आपके अंदर हिम्मत होगी तो भगवान भी आपकी मदद ज़रूर करेंगे। क्योंकि दोस्तों यह जो परिस्थिति है हर किसी की ज़िंदगी में आती है, चाहे वह कितना भी बड़ा इंसान क्यों ना हो, उसने भी कभी ना कभी अपने जीवन में गरीबी का सामना ज़रूर किया होगा। तो इसलिए आप सबसे पहले कभी भी हिम्मत ना हारें, ठीक है। और एक बात हमेशा याद रखिए, अपने ज़िंदगी से नकारात्मक सोच को यानी नेगेटिव एनर्जी को हमेशा दूर रखिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए, सकारात्मक सोच रखिए, क्योंकि गरीबी आने का सबसे पहला कारण यही होता है, जो नकारात्मक ऊर्जा नेगेटिव एनर्जी हमारे आसपास होती है यही हमें हताश कर देती है, निराश कर देती है। क्योंकि जितना ज़्यादा और जैसा आप सोचोगे वैसा ही आपके साथ होता है, इसलिए कभी भी आपको नकारात्मक सोच नहीं रखनी है। यह सब चीज़ें हमारे हाथ में है कि हम कैसा सोचेंगे वैसा ही करेंगे, इसलिए पॉजिटिव सोचिए, सकारात्मक सोच रखिए। तो चलिए दोस्तों, आपको अपनी ज़िंदगी से इन सभी नेगेटिव चीज़ों को कैसे दूर करना है वो हम अब आपको बताते हैं। सबसे पहले ध्यान रखिए अपने घर में, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास हो, घर में सुख संपत्ति का वास हो और सभी सदस्य निरोगी रहे, और उस घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो और इस घर को नकारात्मक ऊर्जा छू भी ना पाए, तो दोस्तों हर उम्र के व्यक्ति को, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, थोड़ी देर अपने भगवान के सामने, चाहे 5 मिनट ही बैठे, एक दिया ज़रूर जलाना चाहिए, 5 मिनट अपने भगवान के सामने बैठ करके रोज़ उनसे नियम से विनती करना चाहिए। और ध्यान रखिए दोस्तों, सुबह सुबह उठ करके पूजा करने का सही समय होता है सुबह 8 बजे, लेट से लेट अगर आप करते हैं तो 9 बजे तक कर लें। उसके बाद फिर हमें हमारे रोज की ज़िंदगी के कामों में लग जाना चाहिए, तभी वह अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा से बड़ा कर सकता है। घर के मंदिर में हर दिन पूजा पाठ ज़रूर होना चाहिए। ध्यान रखिए, जिस घर में पूजा पाठ होती है उस घर में घंटी ज़रूर बजाना चाहिए। घंटी होती है
धूप दीप होते हैं वहाँ से नेगेटिव एनर्जी तुरंत भाग जाती है, ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपके घर में नेगेटिविटी ज़्यादा हो गई है तो रोज़ सुबह शाम घर में दो लौंग, दो कपूर मिलाकर जलाएं और उससे आरती करें, धूप दीप करें, और उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे कि कैसे आपके घर से जो नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक शक्तियाँ हैं, कैसे भाग जाती है। अगली बात यह है दोस्तों कि घर में कभी भी पैरों में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, और जो झाड़ू होती है उसे हमेशा छुपा कर रखना चाहिए, उस पर किसी की नज़र नहीं पड़ना चाहिए। और ध्यान रखिए दोस्तों, जब भी आपके घर में खाना बनता है तो सबसे पहली रोटी गाय को ज़रूर खिलाएं, और उनके आगे हाथ जोड़कर अपने मन की बात भी कहें। इससे माना जाता है कि यह गाय को रोटी खिलाने से देवी देवताओं को भोग लगता है। और जो भी खाना आपके घर में बनता है वह प्रसाद बन जाता है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, कभी कभी किसी किसी के घर में क्या होता है कि वो लोग अपने चप्पल जूते इस प्रकार से रखते हैं कि पता नहीं उनके घर में कितने लोग रहते हैं पूरे बिखरे हुए। तो इस तरह से कभी भी जूतों चप्पल को नहीं रखना चाहिए, घर में कभी भी चप्पल जूते बिखरे हुए नहीं होना चाहिए, उनको हमेशा क्रम से रखें। जितने चप्पल जूतों की आपको ज़रूरत है सिर्फ उतने ही बाहर निकाल कर रखें, बाकी के सब अंदर रखें। और ध्यान रखिए कोई भी चप्पल को आप उल्टी ना रखें। अब घर के मुख्य द्वार पर यानी जो दरवाज़ा होता है उस पर ओम, स्वास्तिक का कोई भी शुभ चिन्ह बनाएं, त्रिशूल आदि जैसे शुभ चिन्ह बनाएं, जिससे नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करती है और सकारात्मक ऊर्जा यानी पॉजिटिव एनर्जी का आपके घर में वास होता है। दोस्तों, हर दिन घर में नमक के पानी से पोछा लगाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके घर में हद से ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी भर गई है तो नमक के पोछे से अच्छा कोई उपाय नहीं है। अगर आपको लगता है कि किसी ने आपके घर में टोना टोटका किया है तो सबसे पहले आपके घर की अच्छे से सफाई कर ले। जो भी आपके घर में फालतू सामान, कबाड़, कचरा जो भी दिखे उसको आप तुरंत घर से बाहर फेंक दें। उसके बाद पूरा घर नमक के पानी से पुछा ले और आप खुद भी नमक के पानी से स्नान करें। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे कि कैसे आपके शरीर में पॉजिटिव एनर्जी का वास होता है, कैसे आपके घर में पॉजिटिविटी का वास होता है। घर के मुख्य द्वार पे दाहिनी ओर एक काले कपड़े में फिटकरी बांधकर ऊपर टांग दे, और फिर दोस्तों रोज़ लगातार 7 दिन तक सुबह शाम धूप दीप करें। उसके बाद कोई वजह नहीं होगी कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी आए। उसके बाद आपके घर में सिर्फ सकारात्मक पॉजिटिव एनर्जी आएगी और माँ लक्ष्मी का भी वास होगा। ध्यान रखिए घर के बाथरूम के दरवाजे को कभी भी खुला नहीं छोड़ना चाहिए, उसे हमेशा बंद करके रखना चाहिए, क्योंकि उससे घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलती है। और हमेशा बाथरूम को साफ सुथरा रखें। पूजा घर में पूजा सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच में कर लेनी चाहिए। दोस्तों, मुख आपका हमेशा पूजा करते वक्त पूरब की तरफ या उत्तर की तरफ होना चाहिए, और कभी भी बिस्तर पे बैठ करके, किसी को बेड पर बैठकर चाय पीने की आदत होती है, बिस्तर पर बैठकर कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से रात्रि में डरावने सपने भी आते हैं और अपवित्रता भी आपके घर में आ जाती है। और ध्यान रखिए दोस्तों, आपके घर में पूजा करते वक्त जब भी आप अगरबत्ती या कपूर कुछ भी जलाते हैं तो उसे फूंक मारकर बिल्कुल भी नहीं बुझाना चाहिए, उसे हाथ से बुझाना चाहिए। घर में हमेशा साफ सफाई रखनी चाहिए, मकड़ी के जाले नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस घर में माना जाता है कि मकड़ी के जाले लग गए वो घर से लक्ष्मी माँ अपने आप चली जाती है। उसके बाद कबूतर को कभी भी घर में घर नहीं बनाने देना चाहिए। कबूतर का अगर घर में वास हो गया तो समझ लीजिए घर से लक्ष्मी का वास दूर चले गया।
पूजा घर में हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी खंडित मूर्ति ना हो, टूटी हुई मूर्ति ना हो, अगर हो तो उसे बाहर कर दे। पूजा मंदिर को हमेशा साफ सुथरा रखें और हर रोज़ नियम से पूजा करें। दोस्तों, माना जाता है कि हमारी उंगलियों से लगातार नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी निकलती रहती है, इसलिए कभी भी अपने हाथों के नखून को बढ़ाना नहीं चाहिए, उन्हें हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, काटना चाहिए। रात को सोते समय घर में सेंट या डीओ परफ्यूम बिल्कुल भी न लगाएं, इससे नकारात्मक ऊर्जा घर में आती है। और गंदे कपड़े भी नहीं पहनना चाहिए। दोस्तों, ध्यान रखिए कि घर में अगर कोई भी कबाड़ पड़ा है या कोई बासी फूल पड़ा है जो आपने भगवान को चढ़ाया था, तो उसे तुरंत घर से हटा दें। भगवान को हमेशा ताजे खिले हुए फूल चढ़ाएं। दोस्तों, हमेशा दान करना चाहिए, किसी भी मंदिर में या गरीब लोगों को हमेशा दान करना चाहिए, जो भी आपकी श्रद्धा शक्ति है। अगर आपके घर में बरकत नहीं रहती है तो अपने आय का 10% हिस्सा हमेशा दान करना चाहिए। उसके बाद आप देखेंगे कि कभी भी घर में दरिद्रता नहीं आएगी और कोई भी बीमारी नहीं आएगी। हमेशा घर को खुशबूदार रखें, धूप दीप जलाएं, घर में अगरबत्ती कपूर जलाएं और रोज़ हमेशा हमें नहाना चाहिए, साफ़ सुथरा रहना चाहिए, क्योंकि तभी हमारे शरीर में और हमारे मन में पॉजिटिव एनर्जी का वास होगा और उससे ही हमारी सोच भी सकारात्मक होगी। तो दोस्तों, अगर आप इन सभी नियमों का पालन करेंगे तो लक्ष्मी जी आपके घर में स्थायी रूप से निवास करेंगी। और अगर आप सोचते हैं कि यह सब बेकार की बातें हैं जो अभी हमने आपको बताई है, तो दोस्तों, आपकी गरीबी के लिए आप खुद ज़िम्मेदार हो सकते हैं। तो यह सब आपके हाथ में है कि आपको आपका जीवन किस प्रकार जीना है, खुशी से जीना है, सुख संपत्ति से जीना है और हमेशा सुखी रहना है। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को यह जानकारी समझ आ गई होगी। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या या परेशानी है तो हमें कमेंट में लिखकर बताएं, हम आपके सवाल का जवाब ज़रूर देंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। इसी तरह की और ज्ञानवर्धक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अचूक प्राचीन टोटके मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय माँ काली।